हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिपुरा से नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक बड़ी खबर निकल के आ रहा है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा। उससे पहले वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर देना, और ऐसे नए नए इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी ज़रूर दबा के रख लेनी है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि त्रिपुरा में CPIM के आदिवासी विंग त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद ने राज्य भर में CAA के खिलाफ कम से कम 35 विरोध रैली आयोजित करने का फैसला किया है। सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए TRUGP के महासचिव राजा चरण देव वर्मा ने नॉर्थ ईस्ट नाव को बताया कि 17 जनवरी से त्रिपुरा में CAA के खिलाफ विरोध रैली शुरू की गई है और ये 25 जनवरी तक जारी रहेगी। देव वर्मा ने कहा कि TRUGP ने राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ 9 दिनों तक विरोध कार्यक्रम शुरू किया है। देव वर्मा ने कहा, हमारा लक्ष्य राज्य भर में कम से कम 35 विरोधी CAA विरोधी रैली आयोजित करना है। विरोध रैली के माध्यम से हम लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के बारे में भी जागरूक करेंगे। सोमवार सुबह तक त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद ने मनु, कंचनपुर, आनंद बाजार, सोनमूरा और रायसाबाड़ी में विरोध रैली आयोजित की है। सोमवार सुबह गणेशरा उप विभाजन के तहत रायसीबाड़ी में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक विरोध रैली आयोजित की गई, जो राज्य के सबसे दूरदराज के हिस्से में से एक है। रैली में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। प्रदर्शनकारियों ने CAA के नारे लगाए और भाजपा विरोधी नारे भी लगाए। TRUGP के महासचिव राधाचरण देव वर्मा ने आगे कहा कि CAA के बगल में 8 फरवरी को राज्य की राजधानी में एक बड़ी सार्वजनिक रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है त्रिपुरा से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में। आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। मिलते हैं अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।